सर ये नोटिल फार्मिंग के बारे में बताइए। एक तो बेसिक सी बात है कि भाई एक तो खुदाई नहीं करनी, तो है कि खुदाई क्यों नहीं करनी, उससे पहले है कि लोग क्यों गुड़ाई करते हैं। तो लोग गुड़ाई इसलिए करते हैं कि एक जमीन सॉफ्ट हो जाए, और दूसरा है कि जो भी जंगली पौधे उगे हुए हैं ना वो सारे मर जाएं, उखड़ जाएं और बीच ही में मिक्स हो जाए। तो उसका जो फ़ायदा ये रहता है कि जब ज़मीन सॉफ्ट हो जाती है, आपने कुछ भी इसमें लगाया, तो उसका जो एनर्जी है पौधे की, उसको रूट्स को स्प्रेड करने में स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो जब वो एनर्जी वहाँ नहीं स्पेंड करेगा तो पौधा जल्दी जल्दी बड़ा होगा, प्लस क्योंकि ज़मीन सॉफ्ट है रूट्स बड़ी फटाफट फैलेंगी, तो उसका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा ना, जड़ें ज़्यादा होंगी। तो अब जो फल पैदा करेगा वो खूब बढ़िया आपको बढ़िया पैदावार देगा। अब प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से। तो एक नेचुरल साइकिल है कि पौधे हो गए, ये सब, इस सबको बैक्टीरिया है या कीड़े हैं, ये डीकम्पोज करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करके सॉइल में रिलीज करते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये जो न्यूट्रिएंट ऐड करने वाला प्रोसेस ग्रेजुअल है, और ये बड़े सारे सालों से होता है। अब हो क्या कि पहले जंगल की आपने कटाई की, वहीं पे खेत बनाया ना इनिशियली, तो उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट्स का बैंक एस्टैब्लिश्ड है। अब आप गुड़ाई कर रहे हो, आप फटाफट जो आपका अपटेक है वो हाई हो गया, और जो ऐड करने की स्पीड है एक तो नेचुरली स्लो है, प्लस जब आपने हल चला दिया तो आपने सारी बैक्टीरिया कॉलोनीज आपने डिस्टर्ब कर दी। ठीक है, सारे बड़े सारे कीड़े मर गए, जो भी आपके फंगस वाला नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो प्रोसेस और स्लो हो गई जो ऐड करने वाली है। तो इवेंचुअली आपकी ज़मीन बैरन हो जाएगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम है टिलिंग के साथ। तो चलो उसमें भी ये है कि चलो आपके पास घर में गोबर खाद है, गाय रखी हुई आपने, वो डाल दी तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से आ गए और आपका साइकिल चला है। अब गोबर खाद जो क्या है, लॉजिस्टिकली उसको यूज़ करना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आप उसको खूब लार्ज डिस्टेंसेस तो नहीं ले जा पा रहे ना। आपका यहाँ पे गोबर पड़ा है उसको भारी है, तो फिर लोगों को अब ऐसी खाद चाहिए जो भाई फटाफट खरीदी जल्दी हो और जल्दी एरिया में डाला, क्योंकि अब देयर इज अ स्मॉल पॉपुलेशन जो लार्ज पॉपुलेशन के लिए खाना उगा रही है। तो वहाँ पे सारा साइकिल हिल गया, इसलिए फिर आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स भी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, जो आपको इंस्टेंट आपको गेन दे। तो हम इसलिए नोटिल करते हैं कि यार उस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर दें टू द पॉइंट जहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं ऐड करना पड़े। अब ये जो ज़मीन है इसको यूरिया की आदत पड़ी हुई थी, ठीक है, हमारे अंदर तो ये बाद में आई। नाउ ये जो सारे हमने बेड्स इसलिए बना रखे हैं कि वी नेवर वॉक ऑन द सॉइल। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम इसको गुड़ाई करके सॉफ्ट नहीं कर रहे तो हम कंप्रेस करके इसको हार्ड भी नहीं करना चाहते, तो इसमें हम लेयरिंग कर देते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें चावल की पराल डली हुई है, इसको मल्च कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे आप सॉइल को कवर कर रहे हो वो मल्च है। तो पहले वीड्स थे, वीड्स को हमने काट दिया, हमने उखाड़ा नहीं, काट इसलिए दिया कि जो उनकी जड़ें हैं वो अंदर ही सड़ जाएंगी, दे विल एरिएट द सॉइल जब वो सड़ेंगी, बिकॉज दे विल प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस। फिर उसके बाद हमने इसको मल्च से ढक दिया, तो उससे एक तो वीड्स जो है सफोकेट हो जाएंगे, देन जो मॉइस्चर है सॉइल का वो रिटेन रहेगा। सॉइल इज सॉलिड लिक्विड गैस, तीन चीज़ें, तो मॉइस्चर ज़रूरी है ना, तो मॉइस्चर रिटेन रहेगा। थर्ड, कोई भी जैसे पंछी जाता है बीट करता है, उससे कोई भी बीज गिरता है वो जड़ नहीं पकड़ेगा क्योंकि मल्च के ऊपर गिरेगा। ठीक है, फोर्थ, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं डायरेक्ट नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको सॉइल को बेयर नहीं छोड़ा। फाइनली ये जब बायोडिग्रेड होगा, नेचुरली बायोडिग्रेड होगा, इट एड्स टू योर सॉइल्स फर्टिलिटी।